हेलो दोस्तों, ये फोर्ड की फ्री स्टाइल गाड़ी है। इसमें प्रॉब्लम है कि गाड़ी ऑन तो हो रही है बट एक्सीलेटर, इसमें गाड़ी रेस नहीं हो पा रही है। जितना भी अगर रेस करना चाहे तो एक ही पोजीशन में रुका है, गाड़ी बिल्कुल भी रेस हो नहीं पा रहा है। जैसे कि देखिए, आप अपन इसको स्टार्ट करके आपको चेक करवाते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी स्टार्ट हुआ, देखो चेक इंजन लाइट भी आ रहा है इसमें, और ये इसमें एक्सीलेटर रेस भी कर रहे हैं बट गाड़ी बिल्कुल रेस नहीं हो रही। ऐसा जर्किंग मिसिंग टाइप की गाड़ी चल रही है, इसमें रेस नहीं हो पा रहा है। तो इसको स्कैन करके देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट कोड है। अपन स्कैन टूल लगा चुके हैं, इसको स्कैन करते हैं। ऑटो स्कैन, इग्निशन स्विच ऑन। देखिए दोस्तों, गाड़ी स्कैन हो रहा है, स्कैन करके देखेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है। गाड़ी क्या है, बहुत जगह से घूम के आई हुई है, इसका काम नहीं हो पा रहा था, हमारे पास आई है। इसको देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, इसका हल करते हैं। ये DTC रिपोर्ट, थोटल पैडल पोजीशन, थोटल फ्यूल पंप जनरली, बहुत सारा है। इसको एक बार कहीं और चेक हुआ होगा, इसको एक बार क्लियर करते हैं और फिर से रीड करेंगे। हम देखते हैं दोस्तों, टोटल एक्चुएटर ए सर्किट ओपन दिखा रहा है दोस्तों। फ्यूल पंप प्राइमरी, मतलब इतना सारा फॉल्ट कोड आ रहा है। मेन अपने को इस टोटल वाले में काम करना है, गाड़ी रेस नहीं हो रहा है। ये फिर से देखते हैं स्टार्ट करके, गाड़ी स्टार्ट किए, रीसेट करने के बाद लाइट तो चले गया चेक इंजन लाइट, गाड़ी वैसे मिसिंग कर रहा है और एक्सीलेट हो नहीं पा रहा है। तो अब इसका बाहर से चेक करते हैं टोटल में क्या क्या करंट आना चाहिए, वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक टोटल है, इसमें समझ लो एक मेन आएगा, एक अर्थिंग आएगा और 2 5 वोल्ट आएगा और बाकी सिग्नल के वायर हैं। इतना इस पर आ रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं अपन इसको। दोस्तों इसके कपलर में चेक करते हैं कि क्या क्या सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपर, जो जो आना चाहिए इसमें। चलिए दोस्तों लगाइए, छोड़ूगा इसमें, इसमें 0.3 आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ो, इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसमें 0, इस पर 1.8 आ रहा है समझ लो सिग्नल। आगे बढ़ो, ये जो वहाँ से सिग्नल आएगा डायरेक्ट वो सिग्नल है, और आगे बढ़ो, ये रेफरेंस जाएगा उसके लिए है, ये दूसरा सिग्नल। मतलब इसमें ग्राउंड आ रहा है कि नहीं चेक करो एक बार, ग्राउंड आ रहा है ये मेन, ये अच्छा मेन दियो दोस्त, मेन कुछ नहीं, मेन भी नहीं आ रहा, 12 वोल्ट नहीं आ पा रहा दोस्तों। यहाँ पर एक 12 वोल्ट आना चाहिए जो आ नहीं पा रहा है, तो एक बार कंटिन्यूटी में चेक करते हैं उसको, फिल्टर वहाँ से ECM से इसमें डायरेक्ट आता है कि वायर वायर कहीं तो ब्रेक नहीं है, उसके बाद फिर आगे बताते हैं आप। मल्टीमीटर को बीप में सेट कर लिए हैं और ये देखिए, इसका ग्रीन वाला वायर बीच में था जिसमें कुछ नहीं आ पा रहा था, और ECM का अपन कपलर खोल चुके हैं, वहाँ से इस वायर के कलर में कंटिन्यूटी मिलाते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो ECM से फॉल्ट होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर वायरिंग कहीं से ब्रेक हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें आ नहीं रहा है, और एक दो वायर आगे पीछे करके देखिए नहीं आ पा रहा दोस्तों। तो इसका वायरिंग चेक करते हैं फाड़ के, इसमें वायरिंग में ही कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इस वायर में कुछ करंट नहीं, इसलिए अपनी गाड़ी रेस नहीं हो पा रही। चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं आ रहा।
बिल्कुल नहीं आ रहा, नहीं आ पा रहा। डार्क वोल्ट कुछ नहीं आ रहा इसमें, थोड़ा चेक कर लिए। इस वायर को देखिए कहीं से ब्रेक है लग रहा है, इसलिए इसमें सप्लाई नहीं आ पा रहा। यहाँ से पूरा चेक करने के बाद इसका देखिए कपलर के जस्ट नीचे इसका ये वायर ब्रेक था, ग्रीन वाला वायर ये ब्रेक हो गया या कहीं से डैमेज हो के कटा हुआ वायर है, तो कारण इसी के नाम से होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं आ पा रहा था सिग्नल, अर्थिंग मेन जो भी आता होगा इसमें नहीं आ पा रहा था। इसको जोड़ने के बाद चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अपने को टोटल पोजीशन सेंसर का फॉल्ट दिखा रहा था, तो टोटल बॉडी को अपन चेक किए, यहाँ से इसके पूरे वायर को इस कपलर से कंटिन्यूटी में मिला है, तो सब वायर में तो बीप आया, बट एक वायर में बीप नहीं आ रहा था, ग्रीन कलर के वायर में। देखिए ये इस वायर के कारण गाड़ी रेस नहीं हो रही थी और मिसिंग प्रॉब्लम आ रहा था, गाड़ी बिल्कुल रेस नहीं हो रही थी, यहाँ से वायर कट गया। आइए इसको अपन जोड़ के फिर स्टार्ट करके देखते अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं।